हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2023 में ही रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी द जेस्टर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं कॉलिन क्रॉचक। इसमें आप द जेस्टर नाम के एक हॉरर विलन को देखने वाले हो, जो कि इंटरनेट पर पहले से फेमस है उसकी शॉर्ट फिल्म्स की वजह से, जिन्हें आप यूट्यूब पर देख सकते हो। अब जाकर 7 साल बाद इस पे एक पूरी फीचर फिल्म बनाई गई है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है और मेन रीजन यही है कि ये आर्ट द क्लाउन को टक्कर दे सके। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हेलोवीन के टाइम पे और हम देखते हैं जॉन नाम के एक आदमी को, जिसके पीछे पीछे जेस्टर चल रहा था। जेस्टर जो है वो ऑरेंज सूट पहना हुआ एक इविल बीइंग है, जो कि बेसिकली अपनी काली शक्तियों से जादू करता है किसी जादूगर की तरह। ये अपनी ट्रिक्स दिखाकर लोगों को इम्प्रेस भी करता है और उन्हीं ट्रिक्स का यूज करके लोगों को मार भी देता है। सबसे ज्यादा ये तब चिढ़ जाता है जब कोई इसके ट्रिक को पसंद नहीं करता। इसके कारनामे देखकर आप समझ जाओगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अब जॉन को उसकी बड़ी बेटी एमा दिखाई दे रही थी, वो भी बचपन वाले रूप में। इसी एज में इसने एमा और उसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिस शादी से इसकी एक और बेटी हुई जॉसलिन। वो जहाँ भी जा रहा था एमा उसका पीछा कर रही थी और शायद ये जेस्टर की ही ट्रिक है। गिल्ट में आकर जॉन ने एमा के पास फोन मिलाया और उसे सॉरी बोला, लेकिन इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं भरते। गुस्से में उसने फोन काट दिया और तभी जेस्टर जॉन के पास आ गया। जॉन उसे बोलता कि मैंने ट्राई किया लेकिन वो सुनना नहीं चाहती। इससे पता चलता है कि जॉन जेस्टर के दबाव में ये सब कर रहा है, पर ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए जेस्टर अपनी जादूगरी पर आ गया। अपनी सन की हरकतें दिखाते हुए वो अचानक से जॉन के गले में एक फांसी का फंदा ले आया। फिर उसने अपने टाई को टाइट किया तो इधर वो रस्सी टाइट हो गई। फिर टाई को उठाकर जॉन को हवा में लटका दिया और जब वो मर गया तो उसे पुल से नीचे फेंक दिया। ये था मूवी का इंट्रो। इस सब का शॉर्ट फिल्म्स के साथ कोई लेना देना है या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एक भी नहीं देखी। उन्हें बाद में कभी देख लेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। जॉन के फ्यूनरल में एमा भी आई थी, साथ में जॉन की छोटी बेटी जॉसलिन और जॉसलिन के दोस्त भी थे। एमा ने जॉसलिन से कोई बात नहीं की क्योंकि ये जॉसलिन को पसंद नहीं करती, बल्कि जॉन के मरने से एमा तो काफी ज्यादा खुश थी। वो फोन पर अपनी माँ को बता रही थी कि अच्छा हुआ, क्योंकि इन्हें तो यही लग रहा है कि जॉन ने खुद अपनी जान ली, जो कि इसके मुताबिक वो डिजर्व करता था, तो इनके साथ तो इंसाफ हो गया। पर जॉसलिन का क्या? जॉसलिन ने एमा को बाद में मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि वो इससे बात करना चाहती है। उसे लगता है कि लॉस दोनों का हुआ। फिर बाकी सब फ्यूनरल में से जा चुके थे, तभी एमा देखती है कि कोई जॉन के कॉफिन के सामने नाच रहा था और वो था जेस्टर, जो कि अचानक से गायब भी हो गया, लेकिन असल में वो छुपकर एमा को जाते हुए देख रहा था। एमा के जाने के बाद वहां पर दो केयरटेकर्स आए जो कि जेस्टर को भगा रहे थे, लेकिन वो उनके साथ खेलने लगा, कभी गायब हो जाता कभी वापस आ जाता। परेशान होकर उनमें से एक ने पुलिस को फोन कर दिया, तभी अचानक दूसरा आदमी सीधा पत्थर पर गिरा और गिरते ही उसका काम खत्म। इस बीच जेस्टर पूरे मजे ले रहा था। उसका साथी देखता है कि गिरने वाले के शू लेसेस बंधे हुए थे और ये भी जेस्टर की ही करामात है। अब ये आदमी पुलिस को कुछ बता पाता उससे पहले ही उसके गले में कुछ होने लगा। वो खून की उल्टी कर रहा था क्योंकि उसके गले से कुछ बाहर आ रहा था और वो थी एक साबुत सेब। तो एक और ट्रिक दिखाकर जेस्टर ने एक और आदमी को निपटा दिया, जिसके बाद बोर होकर वो चलता बना। इधर रात में एमा जॉसलिन से मिलने एक बार में जाती है, जहाँ पर कुछ बियर पीने के बाद दोनों काफी अच्छे से बातें करने लगी, क्योंकि अभी तक जॉन का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे हुआ एमा गुस्से के मारे लाल हो गई। गुस्से में उसने जॉसलिन को जी भर के सुनाया, फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे कोई रिश्ता बनाना ही नहीं था, ये बस जॉसलिन की ही भूल थी। इसे लगा कि बाप मरा है तो दोनों बेटियां पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक साथ आगे चलेंगी, लेकिन ये गलत थी, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं। एमा को इससे बिना बात की चिढ़ है। इसकी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा तो ये एमा को ही अपनी फैमिली मान रही है, पर उसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। खैर जॉसलिन भी वहाँ से जा रही थी, तभी एक आदमी बोलता है कि जॉन कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैंने उसके साथ 15 साल काम किया और मुझे ये पता चला कि उसके कई सारे सीक्रेट्स थे, कई डीमंस थे। अब क्या जेस्टर ही वो डीमन है जो उससे उल्टे सीधे काम कराता था?
इधर एमा वापस जा रही थी तो रास्ते में जस्टर ने उसे रोक लिया। वो उसे कार्ड पिक करने के लिए मजबूर कर रहा था तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो सामने वाले स्टोर में चली गई। कुछ देर बाद जस्टर भी आगे बढ़ गया जहां पर उसे दिखाई दिए दो बच्चे, छोटे वाला शरीफ था और बड़े वाला शैतान। वो कई सारी कैंडीज उठाकर ले जा रहा था जबकि छोटे वाले ने कायदे से उठाई सिर्फ एक कैंडी। उसने जस्टर से भी कैंडी मांग ली तो जस्टर ने भी हवा में से एक कैंडी प्रकट करके उसे दे दी और ये देखकर बड़े वाला बच्चा भी आगे आ गया, लेकिन उसका मांगने का तरीका ठीक नहीं था तो जस्टर उसके बैग में से कैंडीज निकाल कर छोटे बच्चे के बैग में डालने लगा। फिर जैसे ही उसने अपनी कैंडीज वापस लेनी चाही, बैग में से एक हाथ निकला जिसने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ जस्टर का ही था। ये देखकर वो दोनों घबरा गए और डर के मारे दोनों बैग वहीं पर फेंक कर भाग गए। उधर जॉसलिन अपने घर पे बैठकर देख रही थी हाउस ऑन हॉन्टेड हिल, तभी उसे बाहर कोई दिखाई दिया जो कि अंदर ही झांक रहा था। वो हैरान थी कि तभी घर का दरवाजा नॉक हुआ। डरते हुए वो देखने गई तो बाहर थे उसके दोस्त। उधर एक विस्की बॉटल लेकर एमा भी स्टोर से निकल गई, लेकिन जस्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पहले वो मजाकिया हरकतें कर रहा था लेकिन जल्दी सीरियस हो गया और तब जाकर एमा को ध्यान आया कि ये तो वही पागल है जो इसके डैड के कॉफिन के सामने नाच रहा था। एमा के हाथ से बॉटल गिरकर टूट गई तो उसी बॉटल का कांच जस्टर ने उठा लिया। एमा को लगा कि वो उसे मारेगा लेकिन उसने उल्टा अपना ही गला काट लिया और सारा खून गिरा एमा के मुंह पर। फिर वो बेजान होकर नीचे गिर गया, पर ये भी उसकी ट्रिक थी जिससे इम्प्रेस तो कोई किया ही होता। डर के मारे एमा भागी और फिर से चली गई उसी स्टोर में। उसकी हालत देखकर वहां के वर्कर ने पुलिस बुला ली। दो ऑफिसर आए और एमा से पूछताछ करने लगे, लेकिन एमा की बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वो सोच रहे थे कि ये कोई प्रैंक है, पर तभी जस्टर खुद अंदर आ गया। उसने एक हथकड़ी निकाली और अपने दोनों हाथों में लगा ली, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब होकर पहुंच गई इन दोनों ऑफिसर्स के हाथ में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जस्टर ने अपनी हैट से एक ऑफिसर का फेस ढक दिया और जब हैट हटाई तो उसका फेस गायब था। अब बिना सर के वो तड़प रहा था। ये देखकर वर्कर तो वहां से भाग गया। दूसरे ऑफिसर ने हथकड़ी खोलकर अपनी गन निकाली तो जस्टर उस बिना सर की तड़पती बॉडी के साथ डांस करने लगा और ये सीन बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। ऑफिसर ने गोली चला दी जो लगी दूसरे ऑफिसर को, इसलिए वो तो मर गया। फिर जस्टर को गोली मारी तो उसने गोली ही पकड़ ली। साउथ इंडियन मूवीज का फैन है। ये देखकर एमा भी भाग गई और जस्टर भी बचे हुए ऑफिसर को भूनकर वहां से चल दिया। इधर जॉसलिन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका डैड अब भी उसके साथ है। वो उसके रूम में जाकर उसकी फोटो देख रही थी तो वो फोटो से निकलकर रूम में आ गया और प्यार व्यार गया अपनी जगह। ये देखकर जॉसलिन की सांसें फूल गई। उसने जल्दी से नीचे जाकर दोस्तों को बोला कि चलो फेस्टिवल में चलते हैं। चारों फेस्टिवल में पहुंचे पर वहां पर भी जॉसलिन को वही सब देखने को मिल रहा था। कोई रस्सी के सहारे कूद रहा है, किसी के गले में रस्सी है, ये सब। वहां पर एक हॉन्टेड हाउस भी था जिसके अंदर जाना जॉसलिन को और ज्यादा भारी पड़ा क्योंकि अंदर कोई फांसी पर लटका हुआ था। ये कोई डेकोरेशन होगी, लेकिन जॉसलिन का तो बस हो गया। घर में भी यही सब, बाहर भी यही सब। वो तो शांत होकर बैठ चुकी थी तभी उसका डैड उसे फिर से दिखाई दिया तो जॉसलिन उसके पीछे पीछे चल दी और उसके जाते ही वहां पर आकर बैठ गया जस्टर। जॉसलिन के दोस्त लियाम को वो एक ट्रिक दिखा रहा था, वही तीन कप्स वाली, पर जस्टर की ट्रिक है तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो होगा ही। जस्टर ने जैसे ही कप उठाया उसके नीचे पड़े थे कई सारे ताजे निकले हुए दांत और वो सारे दांत लियाम के थे। फिर एक और कप उठाया तो उसके नीचे कुछ भी नहीं था, पर जब कप को झटका तो उसमें से दो आंखें निकली तभी लियाम की आंखें भी गई। अब इसी हालत में वो चिल्लाता हुआ घूमने लगा और सीधा जाकर गिरा अपने दोस्त मेडिसन के ऊपर। तब मेडिसन और एलेक्सिस उसे उठाकर लाए और वो देखते हैं कि जॉसलिन एकदम सुन खड़ी थी क्योंकि वो देख रही थी अपने डैड के साथ अपना बचपन। तभी जस्टर आया और अपनी स्टिक से उसने एलेक्सिस की टांग तोड़ दी। फिर मेडिसन को चुप रहने का इशारा किया तो उसका गला घुटने लगा। जॉसलिन होश में आई और उसने जस्टर को बोला कि इन सब को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। उधर एमा अब भी भाग रही थी तभी उसके पास फोन आता है उसकी मॉम का, लेकिन मॉम की आवाज में वो जस्टर ही था। जस्टर इशारों में बोल रहा था और वही सब उसे फोन पर सुनाई दे रहा था उसकी माँ की आवाज में। जस्टर चाहता है कि एमा सब कुछ भूलकर चुपचाप यहाँ से चली जाए, नहीं तो ये खेल चलता रहेगा। लेकिन जस्टर ने जॉसलिन का भी जिक्र कर दिया कि वो सेफ नहीं है, तो अब ये जॉसलिन के बिना नहीं जाएगी। सामने वही
पुल था जिस पे इसका डैड मरा था और वो अब भी वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए एमा उसके पास गई तो वो एमा को उसकी गलती का एहसास कराने लगा। यहाँ पर पहली बार एमा ने उसे डैड बोला, यानी कि उसे माफ कर दिया। पर तभी वो रस्सी उसने एमा के गले में ही डाल दी। रस्सी ने उसे खींचकर पुल से नीचे फेंक दिया और नीचे एमा ने खुद को पाया एक अलग ही दुनिया में, जहाँ पर उसे जॉसलिन का बचपन वाला रूप दिखाई दे रहा था। वो एमा को जलील कर रही थी, पर एमा जानती थी कि ये सब एक छलावा है, उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। तभी जॉसलिन सामने खड़े अपने डैड के साथ एक शेड में चली गई और जेस्टर भी अंदर ही था। उसने एमा को इशारा करके बुलाया तो एमा भी अंदर पहुंच गई। अब वो जॉसलिन का खुशहाल बचपन देख पा रही थी जो के इसे नहीं मिला। एमा को देखकर जॉन एक चाकू लेकर उसके पास आया और फिर वो चाकू उसने अपने ही दिल में घुसा लिया, जिसे देखकर एमा रोने लगी। तब जॉन बोलता है कि अब क्यों, मेरे फ्यूनरल पे तो हंस रही थी। जेस्टर अपनी मायावी दुनिया में इसे पूरी तरह गिल्ट में डाल रहा है ताकि ये टूट जाए। पहले तो ये टूटी नहीं थी, पर अब लगता है कि टूट चुकी। जॉसलिन भी अपने बड़े रूप में आ गई थी और अब वो भी इसे जलील कर रही थी। जॉन के अंदर से चाकू निकाल कर उसने एमा को दे दिया और फिर बोला कि जाग जाओ। पर एमा को टूटना नहीं था, उसने बोला कि तुम रियल नहीं हो और ये बोलकर जॉसलिन को स्टैब कर दिया। पर सेम काम उसने कर दिया रियल वर्ल्ड में, या फिर कहूं कि जेस्टर ने उससे करवा दिया उसे भ्रम में डालकर। लेकिन अब जॉसलिन तो बेचारी मर रही है। मरने से पहले वो एमा को बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे पता है तुम नींद में थी। गुस्से से भरकर एमा ने जेस्टर को भी कई बार स्टैब किया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब उसने बोला कि मेरे साथ तुम्हें जो करना है करो, पर जॉसलिन के पास भी मत आना। सरप्राइजिंगली ये सुनकर वो सीधा वहां से निकल गया। और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जब एमा अपने डैड की ग्रेव पर पहुंची है अपना मन हल्का करने। जो भी उसे बोलना था उसने बोल दिया और ये सब जेस्टर भी सुन रहा था, यानी कि जेस्टर अब भी इसके साथ है, पर अपने डैड की तरह ये इसके बहकावे में नहीं आने वाली। वहां से वो सीधा जाती है उसी बार में जहां पर जॉसलिन अपनी फ्रेंड्स के साथ उसका वेट कर रही थी। तो जो रिश्ता पहले ही बन जाना चाहिए था वो अब जाकर बना, जिसमें लियाम तो बेचारा ऐसे ही मारा गया। खैर, इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो जेस्टर क्या है और उसने ये सब क्यों किया, उसका मोटिव क्या था, वो सब जानने के लिए शायद हमें जाना पड़ेगा इसकी शॉर्ट फिल्म्स में। अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, पर मेन बात यह है कि जेस्टर बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है अगर इसे बड़ा बजट मिल जाए तो। ये एक मॉडर्न हॉरर आइकन बन सकता है, क्योंकि इसके जो ट्रिक्स हैं उनके चलते क्रिएटिव स्किल्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो अगर पैसा लगे तो ये बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है। बाकी अगर मूवी की बात करूं तो ये कोई मूवी नहीं थी बल्कि शॉर्ट फिल्म थी। इसमें बेकार के डाले गए जिनका कोई सेंस नहीं था और बहुत सारे सीन्स में बस बातचीत थी, जिस बातचीत की कोई जरूरत भी नहीं थी। बस इसे 1.5 घंटे की मूवी बनाना था इसलिए इतना खींचा गया, नहीं तो स्टोरी एकदम सिंपल थी, 15-20 मिनट में भी पूरी हो जाती और 5 मिनट में सुनाई जाती। वैसे भी ये अगली मूवी के लिए पैसा जमा करने का एक तरीका है, ऐसा ही सेम किया था टेरिफायर ने। उसमें स्टोरी जल्दी खत्म हो गई थी तो एक नई स्टोरी ऐड की गई थी। बाकी जेस्टर का जो रोल है वो किया है माइकल शेफील्ड ने, जिनकी ये पहली फिल्म है, और सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी वही जेस्टर बने, तो ये उनका पक्का रोल है, जैसे डेविड हॉवर्ड थॉर्नटन का आर्ट द क्लाउन। बाकी आपको ये विलन कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप आर्ट के साथ इसका फेस ऑफ देखना चाहोगे? होने को कुछ भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि YouTube आपके साथ कोई ट्रिक ना खेले और ना ही मेरे साथ। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।